अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज ये मैं बना रही हूँ चिकन स्टेक। ये मैंने देखो पतले पतले बिल्कुल काटे हुए हैं चिकन को। ये दो चिकन ब्रेस्ट मैंने लिए हैं। इसमें सोया सॉस 2 चम्मच, चिली सॉस 2 चम्मच, काली मिर्ची 1 चम्मच, चिकन पाउडर 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच। इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मिक्स हो गया, मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया है। इसको मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखती हूँ, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। ग्रिल पैन पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब इस पे मैं चिकन डालूंगी। चूल्हा मैंने कम किया था, अभी मैंने इसको तेज किया है। ये साइड में चेंज करूंगी ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। इसको बहुत ज्यादा भी नहीं पकाते कि बिल्कुल फ्राई करते, मगर जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं वो तो बहुत ज्यादा कच्चे होते स्टेक, मगर मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ। ये जब तक पकेगा, इसका पानी खुश्क होगा, इस साइड पे मैं व्हाइट सॉस बनाऊंगी। इसमें मैं तकरीबन 3 चम्मच मैदा डालूंगी। इसको मैं 5 मिनट के लिए अच्छा सा भूनूंगी इसमें। और ये देखें, ये हो गया। इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डालूंगी, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच, और साथ ही मैं इसमें दूध भी डालूंगी अभी मिक्स करके। इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास दूध डाला है और अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसकी हम साइड चेंज करेंगे क्योंकि आज हमारे घर लाइट आ जा रही है तो ज़्यादा मसला हो रहा है वीडियो बनाने में। ये तकरीबन तकरीबन हमारा रेडी हो गया है। उस साइड से भी थोड़ा सा पक जाए और साथ ही हमारा वाइट सॉस भी रेडी हो गया है। ये थोड़ा सा वाइट सॉस से मैंने और गाढ़ा करना है, बस ये भी रेडी हो गया। हमारा स्टेक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और इसकी बहुत चिंता लग रही है भाई। ये मैंने मैश पटेटो लिए साथ में क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है, तो साथ ही मैंने और कोई फ्राइज व्राइज नहीं रखे हैं। और इस पे मैं साथ ही वाइट सॉस डाल दूंगी। ऊपर मैं वाइट सॉस डाल दूंगी। ये हमारा चिकन स्टेक रेडी हो गया है। आप लोग भी लाजमी ट्राई करें, ये बहुत डिलीशियस होता है घर पे बनाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैश पटेटो की वीडियो मेरे चैनल पे है, पिंकी की किचन पे। आप लोग प्लीज़ विज़िट करके इसकी रेसिपी भी देख लें।